बरसात के मौसम में बीती रात जम्मू सूबा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की खबरें मौसूल हुई हैं, जहां बीती रात कई जगहों पर बारिश ने अपना तांडव दिखाया। इस सब के बीच राजौरी से जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे पर बांबला व गोदड़ के मकाम पर भी भारी नुकसान देखने को मिला है। मकामी लोगों के मुताबिक एकाएक बीती रात तकरीबन 1 बजे के आसपास इस इलाके में ज़बरदस्त बारिश की शुरुआत हुई और तकरीबन 2 किलोमीटर इलाके में तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई। लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से इस इलाका से बहने वाले छोटे नाले अपने उफान पर हुए और देखते ही देखते सैलाबी सूरत हाल वाले पानी ने पूरे हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया। इस सैलाबी पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर व मिट्टी भी बहकर आई, जिसकी वजह से ये हाईवे गाड़ियों की आमदरफत के लिए भी बंद हुआ। वहीं बीती रात तकरीबन 1:30 से लेकर सुबह तकरीबन 5 बजे तक जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे बांबला व कालीधार के दरमियान गाड़ियों की आमदरफत के लिए बंद रहा और इसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रहीं, जिसके बाद मुतलका सरकारी अमले की तरफ से सड़क पर से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और फिर हाईवे को दोबारा बहाल किया गया। बताया जा रहा है कि बीती रात से लेकर आज सुबह तक तकरीबन 4.5 घंटे हाईवे गाड़ियों की आमदोरफत के लिए बंद रहा। वहीं इस सूरत हाल के बीच कुछ एक दुकानें भी ढहीं, जबकि कुछ गाड़ियां मलबे के तले दबी और कुछ एक मोटरसाइकिल पानी के बहाव के साथ बहने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। जम्मू नौशहरा हाईवे जी, मेरे ख्याल ना नहीं खुलना 2 दिन, ये नहीं खुलना 2 दिन। Thank you.